Assalamualaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zeni Study Instruments. Here all students who are doing Master or BS in English can seek help. Our today's course is English Grammar 2 and I'm gonna tell you about the topic Nouns and its kind. Guys, kal ka topic part of speech tha, ab next topics mein aapko parts of speech, 8 parts of speech hain, inke next, yani ke kinds or नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव सब के बारे में बताया जाएगा. टुडे आवर टॉपिक इज नाउन एंड इट्स काइंड. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गाइज, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज. एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. एंड literature in Pakistan. And the viewers who have subscribed my channel are requested to watch the video till end so that you can understand the full topic. And if you need another topic, please tell me by commenting. You will get the same topic in the next video. Zeni Study Instruments, literature in Pakistan. Now I'm gonna start the topic. Noun and its kind. First of all, noun is the naming word. Kinds of noun: first, proper noun; second, common noun; third, collective noun; fourth, material noun; and the last and fifth, abstract noun. First of all, proper noun. A proper noun is the name of some particular person, place or thing. Proper noun जो है वो किसी खास शख्स, जगह और चीज का नाम है. For example, फैसलाबाद, the London English Grammar, पाकिस्तान. ये खास चीजें, यानी कि इन जैसी चीजें और कहीं नहीं है. सेकेंड इज कॉमन नाउन. अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड. यानी कि कॉमन नाउन किसी भी आम शख्स, जगह या चीज का नाम है. किसी यानी कि कोई भी आम सी चीज हो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं. For example, king, man, boy, girl, book, city, table, room, teacher. And the third, collective noun. A collective noun denotes a group or collection of similar persons or things of the same class or kind. Collective noun जो है वो किसी चीज के मजमे को या ग्रुप को डिनोट करता है, यानी कि उसकी निशानदेही करता है. किसी भी चीज के पर्सन हो, शख्स हो, यानी कि वो शख्स हो या चीजें हो, किसी भी क्लास से वो हो, किसी भी किस्म की हो, लेकिन मजमा हो या ग्रुप वाइज हो तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल, आर्मी, क्राउड, क्लास, नेशन, पुलिस, कमेटी. यानी कि अब ये जो सारी चीजें हैं ये इनमें ये वाहद चीज नहीं है. आर्मी में भी काफी सारे, यानी कि क्राउड हजूम में भी काफी सारे लोग होते हैं, क्लास में भी काफी सारी तादाद, यानी कि बच्चों की तादाद होती है, नेशन में ओवरऑल ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा. एंड द फोर्थ इज मटेरियल नाउन. अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल और मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड. मटेरियल नाउन ऐसा, यानी कि मवाद है, ऐसी चीज है, ऐसा मटीरियल है जो चीजों को तैयार करता है, नेक्स्ट चीजों को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. For example, gold, wood, water, milk, cotton, iron, silver. ये सारी ऐसी चीजें हैं जो next बाकी चीजों के वजूद के लिए इस्तेमाल होती हैं. Fifth and the last is abstract noun. An abstract noun is the name of qualities, state or action which cannot be seen or touched. Abstract noun एक ऐसी सिफ्त है, ऐसी चीजों यानी कि किसी भी अमल के ये किसी भी काम की ऐसी सिफत है जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, ब्यूटी, काइंडनेस, करेज, लव, स्लेवरी. इन चीजों को हम छू नहीं सकते, ना ही इन्हें हम देख सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं. एंड नाउन की यानी कि काइंड्स के अलावा कुछ और भी काइंड्स हैं, टू countable noun and uncountable noun. In modern English grammar, nouns are broadly divided into two categories. First, countable noun,
सेकंड अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन को मास नाउन भी कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन आर दोज विच कैन बी काउंटेड, काउंटेबल नाउन वो चीज़ें हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन आर दोज विच कैन नॉट बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन कैन हैव ए और एन और अ न्यूमरल वर्ड वन टू एक्सेट्रा बिफोर देम और कैन बी यूज्ड इन द प्लूरल। काउंटेबल नाउन ए और एन के लिए इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं, या फिर नंबरिंग के लिए वन टू थ्री जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन इज नॉट यूज्ड विद ए एन और अ न्यूमरल वर्ड और इन द प्लूरल। अनकाउंटेबल जो चीज़ें हैं नाउन हैं वो ए और एन और प्लूरल में इस्तेमाल नहीं होती, ना ही नॉमिनल वर्ड में। फॉर एग्जाम्पल एयर एंड वाटर अनकाउंटेबल नाउन, एंड काउंटेबल नाउन इज चिल्ड्रन काउस डॉग्स। फॉर एग्जाम्पल अब आप यहाँ पे ले ले, वी हैव गोट थ्री चिल्ड्रन एंड टू काउस एंड अ गोट। इसमें थ्री चिल्ड्रन यानी कि नंबरिंग बताई हुई है, थ्री चिल्ड्रन टू काउस एंड अ डॉग, ये काउंटेबल नाउन है। सेकेंड अनकाउंटेबल नाउन की एग्जाम्पल एयर एंड वाटर आर असेंशियल टू ह्यूमन लाइफ। अब एयर और वाटर को हम काउंट तो कर नहीं सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। गाइस ये था आज का टॉपिक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।